Good morning, children. How are you all? I hope all are good. Today we will learn in Hindi use un. Use un. आज हम क्या सीखेंगे? Use ud below. Okay. Use un. Use ud below. यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओवरराइट. तो हम कर्व बनाएंगे. फर्स्ट ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे. सेकंड ब्लू लाइन पर कर्व बनाएंगे. आफ्टर देन वन मोर कर्व. फिर उसमें इस तरह से एक लूप लगाएंगे और स्लीपिंग लाइन. इस तरह से हमें ऊ बनाना है. कर्व, वन मोर कर्व, लूप, स्लीपिंग लाइन. इस तरह से हम क्या बनाएंगे? ऊ से ऊन. अब हम करेंगे राइट. राइट कैसे करेंगे? देखो, हम सेकंड ब्लू लाइन, यहाँ फर्स्ट रेड लाइन है, सेकंड ब्लू लाइन स्टार्ट हो रही है. तो हम इस फर्स्ट ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे. कर्व, वन मोर कर्व, हम लूप लगाएंगे पीछे और स्लीपिंग लाइन. इस तरह से हम क्या बनाएंगे? ऊ. वन मोर टाइम. कर्व, वन मोर कर्व, लूप, स्लीपिंग लाइन. ओके, इसी तरह से आपको ये वर्क करना है. पेज नंबर 22 एंड 23. अब इसके बारे में, ऊ से ऊन के बारे में और आगे जानते हैं. स्वर ऊ की कहानी सुनाऊंगी. एक थी चील जिसका नाम था ऊषा. ऊषा वो डॉक्टर थी. वो खूब ऊंचा ऊंचा उड़ा करती थी. खूब ऊंचा ऊषा उड़ते उड़ते ऊपर ऊपर से नीचे देखती. अगर नीचे ऊषा को कोई बीमार या चोट लगा जानवर दिखता तो फौरन नीचे आती, जहाँ कोई मुसीबत में होता और उसका इलाज करती. एक बार डॉक्टर ऊषा ऊपर उड़ रही थी. उसने नीचे देखा कि एक ऊंट ऊंट घायल गिरा पड़ा है. तो डॉक्टर ऊषा फौरन नीचे आई. डॉक्टर ऊषा ने ऊंट से पूछा, अरे ऊंट भाई, ये सब कैसे हुआ? अरे आह डॉक्टर ऊषा, आप आ गई. बहुत अच्छा किया. मैं यहाँ अकेला बैठा बैठा ऊब रहा था, तो सोचा थोड़ी शैतानी कर लूं. फिर मैं इस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ऊट पटांग तरीके से उछला, जिससे मेरा पैर संभल नहीं पाया और फिर मैं गिर पड़ा. बहुत दर्द हो रहा है. तब डॉक्टर ऊषा ने कहा, अरे घबराओ मत ऊंट भैया, चिंता मत करो. मैं अब आ गई हूँ. मैं अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ. वहीं पास के तालाब में एक ऊंट बिलाव तैर रहा था. उसने ऊन से बनी टोपी पहन रखी थी. डॉक्टर ऊषा कहती है, सुनो ऊंट बिलाव भाई, देखो ये मैं दवा लिख कर दे रही हूँ, इसे लेकर आ जाना. ठीक है डॉक्टर ऊषा, मैं अभी जाता हूँ. थोड़ी देर बाद ऊंट बिलाव दवा लेकर आ गया. ये लीजिए डॉक्टर ऊषा, मैं दवा लेके आ गया. अरे ले आए दवाई, लाओ, शाबाश. डॉक्टर ऊषा ऊंट की चोट साफ करके उस पर दवा लगा देती है, पट्टी भी बांध देती है. इस तरह से डॉक्टर ऊषा के इलाज से ऊंट का दर्द मिटा. उसे बहुत आराम मिला. इतना आराम मिला कि वो वहीं ऊँघने लगा. जब थोड़ी देर ऊँघ कर यानी आराम करके ऊंट उठा,
उसने डॉक्टर उषा से कहा, धन्यवाद डॉक्टर उषा, धन्यवाद। डॉक्टर उषा कहती है, अरे इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। ऊंचा, तुम मेरी एक बात मानो, तुम दोस्त बनाओ, मिलकर रहो, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ खेलो कूदो, उधम मचाओ, खाओ पियो और पढ़ो लिखो, फिर तुम उबोगे नहीं और फिर तुम्हें ऊटपटांग हरकतें भी नहीं करनी पड़ेंगी, फिर तुम गिरोगे भी नहीं, तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब तो ऊंट के बहुत सारे दोस्त बन गए थे। अब तो ऊंट को मिलकर रहना, दोस्त बनाना अच्छा लगने लगा। बच्चों, आपको भी दोस्त बनाना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। अच्छी लगी ये कहानी? ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।